रेडी हो गया हूँ भाई। ठंड काफ़ी ज़्यादा, रात को बारिश हुई है, तो चलते हैं अभी क्लास और वहीं पे मिलते हैं आपसे। बाहर का व्यू बड़ा खूबसूरत आ रहा है, रात को बारिश हुई है सारी रात और हमें भी लेट हो रही है, टाइम हो गया क्लास का, हम चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज है जी संडे और संडे को हमारी एक क्लास है लैब की, तो अभी मैं वही क्लास लेने जा रहा हूँ। सब काफ़ी अच्छा हुआ हुआ क्योंकि सारी रात बारिश हुई है और बारिश की वजह से जो है ना सर्दी में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है। सामने देखें व्यू देखें। And your heart makes no sound. I'll find valid in your eyes. You'll always be my night sky. मैं तो जा रहा हूँ टाइम टेबल पे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ। अब देखते हैं क्लास होती है या नहीं होती आज, क्योंकि इनका वीक सिस्टम होता है, इस वीक में क्लास आती भी है या नहीं, लेकिन जाना है भाई हमने तो जाना है। देखते हैं, मज़ा आ रहा है वैसे, बारिश हुई हुई है, कमाल है। ऐसे रस्ते हों क्लासेस में जाने के लिए तो दिल क्यों ना करे क्लासेस में जाने के लिए, पढ़ने को भी दिल करता है। वक्त के चक्कर में ना मैं रास्ता ही भूल गया था क्लास में जाने, क्लास आज इधर थी इस साइड में, अभी इधर चलते हैं। स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं मैं आज गलत आ रहा हूँ या फिर वो आज छुट्टी करके बैठे हैं। अभी टाइम तो काफ़ी ऊपर हो गया, मेरे ख्याल में 10 मिनट ऊपर हो गया ना क्लास में, लगता है वो चले गए हैं क्लास में सीधा ही ना। तो मैं भी जा रहा हूँ, भाग नहीं रहा क्योंकि स्लो स्लो ही जा रहा हूँ। आज लैब की क्लास है, ज़्यादा जल्दी है भी नहीं ना, टीचर ने वो करनी है, ज़्यादा इशू करता है। बस चलते हैं आराम से, पुरसकून हो के मज़े से चिल करते हुए। आज क्या है, या एक्साइटेड मैं ज़्यादा हूँ या पता नहीं भूल रहा हूँ, क्लास इससे भी आगे थी और मैं अभी इधर जा रहा था। अभी जाता हूँ उस साइड पे क्योंकि अब पता ही नहीं चल रहा क्लास है कहाँ पे। बिल्कुल इसी साइड पे है क्लास, आई लैब गया तो लैब से इसी साइड में हमारी। ये सामने बिल्डिंग आ गई हमारी, हो गई, चलते हैं क्लास में, आपको दिखाते हैं आज क्या करते हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। लैब तो यही वाली, इसमें तो कोई भी नहीं है। अच्छा इस साइड भी आ रही है, मुझे याद है। इसमें चेक करना था कि इसमें से जो वाटर है वो लीक होता है या नहीं, मेरा तो नहीं हुआ। इफ या ये नॉन नेगेटिव है या नहीं, या पता स्टॉप हो रहा है 180 डिग्री इन वाटर। यस ओके 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 ओके, चलो जी दोबारा करते हैं, अब कह रहे हैं कि दोबारा करें, अगर लीकेज नहीं हुई वाटर की तो दोबारा करते हैं। कुछ अपना एक्सपेरिमेंट अभी मैंने इसमें पहले पता नहीं कोई आम की कोई पड़ा वो मिक्स किया, अभी ये मेरे पास वाटर पता है वो मिक्स करते हैं, देखते हैं क्या दिमाग का करते हैं, आज उड़ाते हैं लैब को, देखें ये मैं सक्सेसफुल हो गया बिल्कुल।
लाशी लड़कियों के पास ही खड़ा है, मेरे पास नहीं आ रहा। मैं बेचारा अकेला, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं। लाशी आज भी मेरी बारी नहीं आती, लाशी जो है ना मुझे अकेला देख के आ ही नहीं रहा। एक करो जी, मैंने 10 बार बुलाया नहीं आया, उन्होंने एक दफ़ा बुलाया जाके। लगता है मुझे लाशी के पास जाना पड़ेगा, लेके जाता हूँ, मैं तो बिजी खड़े हैं। अभी 5:30 बजे ओवर होगी क्लास, 5:15 हो रहे हैं तकरीबन, और फिर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि इसके बाद और कोई क्लास नहीं है हमारी। तो जी दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है, अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि अभी 2 घंटे रहते हैं लैब में ओवर में, तो तब तक ये करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, आपको भी सिखाते हैं, आज डॉक्टर बना के रहेंगे आपको। आज टोटल हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनमें से तीनों में आई एम सक्सेसफुल। और ये अभी आया है बांग्लादेशी, एक मेरा क्लासमेट है, लेट आया, आखिरी 10 मिनट में आया, और अभी ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फिर लॉशी ने कहा ऐसे सिखाओ, अब इससे करवा रहे हैं एक्सपेरिमेंट। हाँ भाई, कैसा जा रहा है एक्सपेरिमेंट तेरा? वन डे इन फ्यूचर वी विल बी कंटिन्यू द फार्मास्यूटिकल साइंस फॉर इन्वेंट modern and the cure medicine for human being. Thank you. itni english bolta hai, kabhi class mein bhi aa jaya kar. class mein aata nahi aur iski baatein bas sunte jao, baatein jitni karwa lo, full bharna hai yahan tak, ye yahan tak, ye theek hai samajh gaya. class is over, 5:30 ho rahe hain ji, class over ho gayi hai aur kafi zyada thand ho gayi hai. तकरीबन आज होगा टेम्परेचर, अभी जा रहा है 4 या 5। तू आ जा पहले ऐसे, लो 4 या 5 डिग्री होना अभी, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है इधर, तो मज़े ही आते हैं। बोर नहीं होता बंदा यहाँ पे, क्लासेस लो, मज़े करो, चिल करो, ठंडा ठंडा मौसम होता है और सही इंजॉय हो रहा है यहाँ पे। अभी जी कैंपस का एक आपको टूर देता हूँ पूरा, जो है ना यूनिवर्सिटी का एक चक्कर काट के आते हैं। इस ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मज़ा आ रहा है, आपको लेके चलते हैं आज पूरी यूनिवर्सिटी आपको फिराते हैं। अपनी एक ले ली है BMW, अब इस पे जाएंगे। अभी ये मेन गेट की तरफ आ गए हम यूनिवर्सिटी के। अब ये थोड़ी सी साइकिल थोड़ा सा मसला कर रही है, पता नहीं से क्या है। अभी ये चेंज करते हैं, यहाँ पे अगर कोई खड़ी है तो, यहाँ पे भी नहीं है आज कोई, चलो इसी से चलते हैं। आगे जी लाइब्रेरी हमारी, ये हमारी लाइब्रेरी की बिल्डिंग है,
ये है हमारा यूनिवर्सिटी का सिटी सेंटर, यूनिवर्सिटी सेंटर। अच्छा मैं यूनिवर्सिटी की साइड पे नहीं गया आज तक, क्योंकि मैं जब पहले दिन आया था ना यूनिवर्सिटी, फर्स्ट डे था जब मेरा, तो मैं इस साइड से आया था। मुझे देखना तो चाहिए इस साइड पे था क्या, मुझे तो याद भी नहीं है। चलते हैं इस साइड पे। ये वाला रोड मुझे याद है, जब मैं पहले दिन आया था यहाँ पे एक चौक सा बना हुआ था, और यहाँ से मुझे वो ना एक आई थी, पता नहीं कौन थी, और उनके साथ छोटा बच्चा था, तो वो मुझे दोनों यहाँ से लेके आए थे। मैं शायद उस जगह पे खड़ा था आई थिंक, हाँ हाँ यही चौक था। अच्छा इस साइड पे तो ग्राउंड है, ये तो मुझे पता ही नहीं, और इस साइड से मैं आया था मेरे ख्याल में, इस साइड से। चलते हैं हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, देखते हैं वो कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे भी काफ़ी मज़ा है, ये पार्किंग बनी हुई साइड ग्राउंड की, ये एक साइड है, अभी आगे देखते हैं आप, बड़ा मज़ा आएगा आपको भी। ये यहाँ ये बास्केटबॉल के जो है ना कोर्ट बने हुए, ये तो बहुत ही प्यारी जगह है यहाँ पे, मैं तो आ गया हूँ, चेक करें। ये नीचे मेरे ख्याल में वही कैनाल है, और ऊपर ये पुल। चलें इसे विज़िट करते हैं आज, इसे यहीं पे लगाते हैं, लॉक हो गई तो लॉक हो गई, यहीं से पैदल चल लॉक कर देते हैं, बल्कि इसको करते हैं लॉक। ये हो गई लॉक, ये आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ से जी आगे चलते हैं, आगे ये हॉस्टल्स वगैरह हैं, इधर लाइब्रेरी है, तो आगे आपको दिखाते हैं इन खूबसूरत रास्तों से चलते हुए, वॉक करते हुए। ये अभी क्लासेस में जा रहे हैं सारे स्टूडेंट्स जो है ना चाइनीज। ये साइड पे लाइब्रेरी है, और हम इस साइड पे जाते हैं क्योंकि हमने बाकी यूनिवर्सिटी भी देखनी है और आपको भी दिखानी है। मैंने तो खैर देखी हुई है, आपको दिखाएंगे आज। सर्दी ने जो है ना रौनकें छीन ली हैं हमसे, ये सारे ग्राउंड भरे होते थे, फुल होते थे, जगह नहीं होती थी यहाँ पे खेलने की, और आज देखें सारे खाली पड़े हैं। ये जिम है, और ये साथ हैं ग्राउंड्स, बाकी वो फुटबॉल का ग्राउंड, और इधर बास्केटबॉल की इधर आवाज़ आ रही है मुझे, ये हॉस्टल हैं सारे इनके, लगता है इधर कोई खेल रहा है। देख
बड़ा प्यार है इन दोनों में देख। काफ़ी टाइम हो गया मुझे इधर खेल खेल के ना जो है ना गर्मी लगने लग गई है। इतनी सर्दी में गर्मी लग रही है ना कि अभी टेम्परेचर जो होगा अभी 4-5 ही है या 3 होगा। तो अभी देखते हैं आगे और क्या चीज़ें हैं, अब वो भी आपको दिखा दें। ये दूसरा बास्केटबॉल का जो कोर्ट है और आगे यहाँ पे साथ है टेनिस का आई थिंक, वो सामने डबल बने हुए एक इस साइड पर दूसरे इस साइड पर। यहाँ पे ये जो है ना जिम बनी हुई है छोटी सी, मतलब मशीनें तो काफ़ी लगी हुई हैं यहाँ पे। अब अंधेरा है, नज़र नहीं आ रही। अभी तो मैंने आपको आधी यूनिवर्सिटी भी नहीं दिखाई, अभी असल में है रात ना तो अंधेरा है तो काफ़ी नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। जितना हो सका आपको दिखा रहा हूँ, बाकी कभी फिर आपको देंगे टूर इसका जो है ना दिन का, तो आपको क्लासेस भी दिखाऊँगा जो है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी की कैंटीन भी विज़िट करवाता हूँ। ये तो ओपन एरिया लगी हुई है, स्टॉल्स जिस तरह लगे रहते हैं इस तरह की बनी हुई है, बाहर सीटिंग एरिया भी है और इधर अंदर कैंटीन अंदर बैठने के लिए। आज आपको कैंटीन दिखाते हैं। ये कैंटीन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे मुस्लिम शॉप है फर्स्ट सेकेंड वाली, ये देखें यहाँ से ऑर्डर करें आप कुछ भी और ऑर्डर करके यहाँ पे लेके आ जाए। कैंटीन हमारी, आप जब खा लेते हैं आप यहाँ पे फिर आपने दे देना। ये जो है ना आंटी ये यहाँ पे सफाई करती है, काफ़ी बड़ी है वो, तो आगे भी सीटिंग बनी हुई है काफ़ी। तो अभी चलते हैं दूसरी कैंटीन पे क्योंकि मुझे वहाँ से घुसाना है और लेते हैं वहाँ से फिर चलते हैं। ये कैंटीन के साथ ही इधर कोल्ड ड्रिंक्स की है और जो है ना कॉफ़ी वगैरह की, जूस वगैरह की, फ्रेश जूस आप यहाँ से ले सकते हैं। डिफरेंट किस्म की जो है ना बबल टी वगैरह वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलते हैं दूसरी कैंटीन पे, वो भी आपको दिखाता हूँ और वहाँ से कुछ खाने के लिए ले लेते हैं क्योंकि भूख लग गई, दोपहर को खाया था। ये आ गया जी मैं दूसरी कैंटीन पर। ये हमारे यहाँ पे हॉस्टल है, ये बैग है, तो ये मैंने बहुत नज़दीक पड़ती है तो हम अक्सर इसी पे आते हैं, इसी से कुछ ले लेते हैं। वो वहाँ पे जाना भी काफ़ी दूर है ना वो चल चल के, तो इसलिए ये इजी टू एक्सेस है। सो लेते हैं हम यहाँ से कुछ चीरो वगैरह मिलता है तो। ये कैंटीन है जी दूसरी, ये है जी हमारी नज़दीक वाली कैंटीन, यहाँ से लेते हैं कुछ पड़ा हो तो चीरो। नहीं वो यो चुफू पाव माँ, चुफू पाव क्या तो है। ये करवाया जी एक चीरो, अब देखते हैं चीरो निकलता भी है। कल ये लिया था आज ये ले लिया, ये ट्राई करते हैं
चलें जी ले लिया एक ये, अब एक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं वहाँ से, वेंडर मशीन से निकालते हैं। ये आ गई जी वेंडर मशीन, यहाँ से निकालते हैं। चलें स्कैन करता हूँ मैं, वो आ गई जी नीचे। अभी जी चलता हूँ मैं हॉस्टल, थोड़ी सी रेस्ट करता हूँ। काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई हैं, उम्मीद है आपको ब्लॉग मेरा पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और जगह कुछ और करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।